जय माता रानी की। दोस्तों जुगराज है यहाँ, आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतोली गांव बटी, आप सब होते मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी खुशी के साथ। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जोगतोली गाँव से। जोगतोली की जैसे आपने सुना होगा, तो मैं आई हूँ अभी जोगतोली में 3 बजे के करीबन यहाँ पे आई हूँ। और यहाँ रिंकी माइक आ रही है, तो ये रिंकी मुझे परेशान कर देती है। मतलब ए दीदी आ, ए दीदी आ, सुबह से लगी हुई है फोन करने पे। तो कल परसों है होली और लगी है आ जाओ गुजिया बनाते हैं। तो मैं भी सुबह तो टाइम मिला नहीं मुझे, और मैंने कहा यार क्या करूं, मेरा भी मन नहीं माना रिंकी के बगैर। मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। तो अभी मैं 3 बजे यहाँ पे आई हूँ और अभी अंदर कमरे में किचन में गुजिया बनने की तैयारी चल रही है। तो आपको पता है मेरी तक कहाँ गई, मेरी तक गई यहाँ गन्ने पे। मेरा मन करा गन्ना खाने का। तो रिंकी की माँ इतनी इतनी वो है जिम्मेदार, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं जिम्मेदार बोलते हैं, इन्हें जिम्मेदार रिंकी की माँ। तो रिंकी भी तभी है। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर प्याज के बगीचे लगा रखे हैं और कितना प्यारा प्यारा प्याज के पौधे कितनी प्यारी प्यारी हो रखी हैं यहाँ पे। तो मैं अभी यहाँ पे निकालने आ रही हूँ गन्ना, और गन्ना निकालूंगी मैं एक बड़ा बड़ा वाला और ले जाऊँगी अपने घर भी खाने के लिए। मुझे बहुत पसंद है गन्ना चपाना। तो ठीक है बने रही है साथ में, अभी तोड़ते हैं गन्ने को। तोड़ दिया, आराम से चपाऊंगी मैं आप गन्ने को। तो फिर दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो गन्ना भी मैंने चपा दिया है, खुद गन्ना चपा के देखो यहाँ पे फेंक दिया है। तो तब डालेंगे इसको बाद। तो अभी रिंकी की ताई जी हैं और ताई जी भी मेरी वीडियो देखती हैं। तो ताई जी को देखो अभी चूल्हे पे लगी हुई हैं गुजिया तलने पे। जय माता रानी की। कुछ नहीं माता रानी तो दिन भर बोलो जय माता रानी। अच्छा दियो खाना ना उन्होंने वीडियो खाना लगा तुम तय खाना ना बड़े लोग कबर का चला थोला माँ कबर का नारा ना तो बोल सुलार कबरी तो बोल उल काटने पर कबर लग यार ना बना भाग माँ हमारे यो बांध लिखे हो जो बचपन बैठे ना कबर जो छोली बोलो बुरा से बोलो देखा तुम। तो इतने गुजिया हमने बना दिए, हमने मैंने नहीं इन्होंने बनाए और काफी सारी ये मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने गुजिया कभी नहीं बनाई, मेरे को आते ही नहीं गुजिया बनाने। तो इसीलिए भी मैं आई हूँ क्योंकि रिंकी देखो रिंकी यहाँ अभी मिक्स करने पर लगी हुई है। क्या क्या डाल रखा रिंकी इसमें? मैंने पहले तो ये बेस मैदा डाल रखा है, उसमें आधा किलो तो मैंने इसमें घी डाल दिया है, बिल्कुल घर का घी पियर। और फिर जो मावा है पियर, उसमें मिलावट भी नहीं? मिलावट नहीं, पियर घर का घी। अच्छा, किसने बनाया तुमने? हाँ मैंने बनाया। तो उसमें जो मावा है इसके अंदर पड़ता है मावा, मैंने बाहर पे रखा है। उसमें काजू किशमिश मावा काजू किशमिश और तो यहाँ पे देखिए कि कब तक बनेंगे रिंकी ये पता नहीं। रात सुबह आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया, सच नाश्ता भी नहीं बनाया सुबह में। हमने सीधा चावल चढ़ा दिए थे चूल्हे में, भात बनाया इसी के, मैंने कहा इसी ये हो जाएंगे आज आज, क्योंकि होली का त्योहार नहीं मनाया अच्छे से। तो त्योहार क्या हुआ होली का? बिल्कुल सही बात। तो आज मैं अपने हाथों से अपनी मम्मी को खिलाने वाली हूँ, अपने दीपा दीदी को खिलाने वाली हूँ। जय माता रानी की। मैं बोल रही थी यार सॉरी। जय माता रानी, जय माता रानी की। हमारी तो रिंकी ऐसी हंसती रहे मुस्कुराती रहे। हाँ यार मिठाई खाना है तो स्वाणी दिख रही लो स्वाणी तो है, बोली थी तुम्हारे आईफोन पे मैं काली दिखूंगी। मैंने कहा नहीं नहीं स्वाणी लग रही है। तो मैं मेहनत कर रही है, पता नहीं कैसे होंगे। नहीं नहीं कैसे नहीं, मेहनत का फल मीठा ही होगा। तो ये देखिए तल रहे हैं और किसी के नाक में सिकुड़ आ गए यहाँ देखिए लाल बादशाह। तो कैसे लग रहा है आपको? एकदम झकास। तो झकास है उन लोगों। अगली बार जब आपसे रिंकी, अगली बार जब तेरे पति देव को मिलूंगी ना मैं, एक कमीज लेके देंगे इनको, बार बार यही पहनी रहती है। और ये है रिंकी की भाभी, भाभी है ताऊ जी की लड़के की बहू ना। तो क्या और इनके लिए बहुत बहुत बधाई, इनके लगी है ड्रीम इलेवन पे 15 लाख की
लॉटरी। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो ये हमारी मूसी, मूसी यानी इसका नाम है यसिका, तो प्यार से मूसी मूसी बोलते हैं। तो बाहर मत बोलना हाँ, सब मूसी मूसी, यहाँ सब यसिका, बाहर यसिका बोलना, अभी मूसी मूसी, हमारे तो मूसी है। तो अभी लगे हुए हैं सब बनाने पे। फल रिंकी पे पसीना छोड़ गई आज। मूसी भी लगी हुई है यार, देखो ये मूसी। अब देखे मोमो नहीं खास आई, मोमो लगना नहीं, हाँ जब ना मोमो वाला मोमो चाहे देखो कथा भी था नहीं तुम पा सिंगड़ो मत डालना आपको, गुजिया में पड़ गया सिंगड़ो तो नमकीन होगा, क्या पता चलेगा किसके पास गया वो रिंकी माँ, ये पता नहीं बुढ़िया कहाँ की है। कौन टाइम पे आना तुम, यहाँ देख रहा दो वहाँ पर। जय माता रानी, 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 बहुत रे राम, जय माता रानी। कोखले गया तुम थोड़ी सा पोड़ सी पा ना दर चल माँ, हम घर के दूध की चाय पीते अभी हमारे आंखें हमारी लाल हो चुकी है धुएं से। तो यहाँ देखिए इतने जिस घर में इतने सारे लोग नहीं होंगे गुजिया बनाने के लिए, तो गुजिया भी कैसे खाने तक। तो मैंने तीन गुजिया खा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी पहले ही, तो गुजिया काफी टेस्टी हो रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से गुजिया बने हुए हैं ये देखिए। तो आप लोग कमेंट करके बताने कि कैसे बने, मुझे तो लग रहा है ये ब्लॉग पता नहीं कब पड़ेगा, होली से पहले पड़ ही जाएगा। तो यहाँ देखिए अच्छे अच्छे गर्मा गर्म, तुम उन खाई गुजिया अभी तक। रिंकी के हस्बैंड रिंकी के साथ इंस्टाग्राम पर रील बना रहे थे, कख नहीं करी लगे कख नीचे बाल्टी गिरी, मेरी चाचा वाला वीडियो बनाया अभी तक इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ देखो सबसे ज्यादा तो ये तच गई चूल्हे पे, क्या गई बुढ़िया बाहर घूम रही है और अभी घर भी जाना है। अपने प्यारे से भैया को फोन करूंगी ना। तो अभी हो चुकी है तैयारी रिंकी के घर से जाने की, यानी मायके सेवा। ये है गुजिया थोड़ा दीपा दीदी के लिए, या देखो ये गुजिया लेके आई है। तो मैंने तो दो ऑलरेडी खा दिए थे, तो पेट भी ऐसा हो रहा है कि टम टम का। तो चलो जान सुन बताओ, चलो यही प्रार्थना करती हूँ माता रानी, हम दोनों को जल्द से जल्द ऐसे ही मिलाते रहे, बहुत जल्द बहुत
आप लोग नाराज नहीं होना, कई माताएं हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई नहीं।